हर हर गंगे जय माँ गंगे। दोस्तों स्वागत है फिर से आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं आपको फिर हर की पौड़ी के दर्शन कराने लाया हूँ। ये देखिए हर की पौड़ी के दर्शन कराने लाया हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। पानी का लेवल कम कर दिया गया है, गंगा जी में पानी कम हो गया है, तभी आपको जो लोग दिख रहे हैं ये पास में नहा रहे हैं, वरना ये सब साइड में नहाते थे। ये देखिए कितनी भीड़ दिख रही है। ये देखिए दोस्तों, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ हर की पौड़ी की हाल। ये देखिए भीड़ बहुत है यहाँ पे। जैसे आपको पता है जैसे गर्मी में सीज़न वगैरह होता है, इस टाइम सीज़न चल रहा है, चारधाम यात्रा भी चल रही है और गर्मी मई जून का सीज़न चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ भी है, तो उस हिसाब से भीड़ बहुत है हरिद्वार में। ये देखिए ये अभी शाम का टाइम है, 3:30-4 बज रहे हैं इस टाइम, और जब शाम को आरती वगैरह होगी तो और भीड़ हो जाएगी। सुबह टाइम और भीड़ होती है और सैटरडे संडे को तो बहुत बुरा हाल होता है यहाँ पर, पैर रखने की जगह नहीं होती। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों पानी थोड़ा कम कर दिया गंगा जल का लेवल। ये देखिए ये लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, नहा रहे हैं, भीड़ भाड़ दिख रही है आपको। इस टाइम गंगा जी कहीं भी चली आई है, दूर दूर तक हर जगह आपको भीड़ दिखेगी। ये देखिए भीड़ ही भीड़ दिख रही है, मैं आपको इधर का नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, नहा रहे हैं लोग, पूरी हर की पौड़ी फुल पड़ी हुई है। ये देखिए लोग बीच बीच में नहा रहे हैं, पहले यहाँ तक नहाते थे लेकिन पानी का लेवल कम है इसलिए लोग वहाँ तक नहा रहे हैं। ये देखिए हर की पौड़ी जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी भीड़ ही भीड़ है। ये देखिए तो दोस्तों आज मैंने आपको हर की पौड़ी के दर्शन करा दिए, सब जानकारी दे दी हरिद्वार का क्या हाल है। भीड़ भाड़ तो बहुत है जैसे आपको पता है, सैटरडे संडे को तो ज़्यादा हो जाती है। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए हर हर गंगे जय माँ गंगे।